गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कल इवनिंग में मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है और उससे रिलेटेड ऑर्डर जो है वो अब इशू कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए फर्दर एक्सटेंड किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपको जीएसटी, इनकम टैक्स या अदर किसी भी सेंट्रल या स्टेट लॉज के मामले में। अब यहां पर ऑर्डर देखिए क्या बताया गया है। ये ऑर्डर जो है वो इन कंटिन्यूएशन है, आपको ये चीजें देखनी होंगी मार्च 2020 ऑनवर्ड्स, क्योंकि सबसे पहले इस ऑर्डर का जो यूज हुआ था मार्च 2020 के अंदर किया गया था, जिसमें 23 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि ये जो एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो किसी भी प्रोसीडिंग्स के लिए है, उसे बढ़ाया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च 2020। और उसके बाद 8 मार्च 2021 को ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंशन दिया गया था उसे एंड किया गया कि अब 15 मार्च 2020 से लेके 14 मार्च 2020 तक जो भी टाइमलाइंस थी, जो भी आपके केसेस टाइम बार्ड हो रहे थे, उसके लिए जो आपका 90 डेज का टाइम पीरियड, अगर हम लोग जीएसटी अपील की बात करें तो वो काउंट होगा 14 मार्च 2021 से। इसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू अ सेकेंड सर्ज इन कोविड-19 केसेस, द SCAOR यानी कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स को इंटरवीन करने के लिए एप्लीकेशन डाला, जिसके बाद फर्दर जो 23 मार्च 2020 को ऑर्डर आया था जो सस्पेंड हुआ 8 मार्च को, उसे फिर से रिस्टोर किया गया और यह कहा गया कि 15 मार्च 2020 से लेके 14 मार्च 2021 पहले ट्रेंच में था, अब उसके बाद जब रिस्टोर किया गया तो 15 मार्च 2020 से लेके 2 अक्टूबर 2021 के बीच जो भी पीरियड टाइम बार्ड हो रहे थे उसके लिए लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग 2 अक्टूबर 2021 एंड ऑनवर्ड्स काउंट करी जाएगी। अब यहां पे थर्ड वेव के कारण फिर से आपको यहां पर कुछ एक्सटेंशंस जो हैं वो दिए गए हैं। अलाउ द प्रेजेंट एप्लीकेशन बाय रिस्टोरिंग द ऑर्डर डेटेड 23 मार्च। अब जो 2 अक्टूबर 2021 के डेट का ऑर्डर था जिसमें एक्सटेंशन को सस्पेंड किया गया था, एंड किया गया था, उसे थर्ड टाइम रिस्टोर किया जा रहा है। और अलाउ द प्रेजेंट एप्लीकेशन बाय रिस्टोरिंग द ऑर्डर डेटेड 23 अप्रैल। अब 23 अप्रैल का और 23 मार्च का जो ऑर्डर है उसको फिर से रिस्टोर किया जाएगा। और रिस्टोर किस डायरेक्शन के साथ, इसको समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। द ऑर्डर डेटेड 23 मार्च इज रिस्टोर्ड एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स डेटेड 8 मार्च, 27 अप्रैल एंड 23/9/2021, इट इज डायरेक्टेड दैट द पीरियड फ्रॉम 15 मार्च 20 टिल 28 फरवरी 2022 शैल स्टैंड एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशंस फॉर ऑल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अंडर जनरल और स्पेशल लॉज। यानी कि अगर लेट सपोज आपको किसी मैटर पे जीएसटी अपील फाइल करना था जिसका टाइम पीरियड 15 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 के बीच में 90 डेज का टाइम पीरियड पार हो गया, यानी कि टाइम बार्ड हो गया, तो वो सारे केसेस आपके टाइम बार्ड नहीं माने जाएंगे। उस लिमिटेशन पीरियड ऑफ 90 डेज को काउंट करने में इस पूरे 2 साल के पीरियड को बाहर निकालना पड़ेगा और आपको 90 डेज काउंट करना है 1 मार्च 2022 एंड ऑनवर्ड्स। वो चीजें यहां मेंशन करी गई हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। द बैलेंस पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिमेनिंग एज ऑन 3 अक्टूबर इफ एनी। अगर 3 अक्टूबर 2021 के ऑर्डर के बाद कुछ बैलेंस पीरियड रह गया था तो वो अब आपको 1 मार्च 2022 एंड ऑनवर्ड्स अवेलेबल रहेगा।
इन केसेस वेयर द लिमिटेशन वुड हैव एक्सपायर्ड, अगर आपका लिमिटेशन एक्सपायर हो रहा है 15 मार्च 20 से लेके 28 फरवरी 22 के पीरियड में, तो एक्चुअल बैलेंस चाहे जितना मर्जी हो 90 डेज का जो टाइम पीरियड है वो फिर से आपको दिया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2022। और अगर इवेंट में आपका, अगर किसी केस में आपका एक्चुअल बैलेंस पीरियड जो है वो 90 डेज से ज्यादा है 1 मार्च 2022 के बाद, तो वही एक्सटेंडेड पीरियड जो एक्चुअल पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो आपके ऊपर लागू किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कोई अपील्स वगैरह पेंडिंग है तो अब आप इस जजमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं और अपने ऑर्डर्स को फिर से सही करवा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। और ये जितने चेंजेस हुए हैं, ये जो नया ऑर्डर आया है, ये आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि जीएसटी के अंदर या इनकम टैक्स के अंदर कोई भी चीजें आपकी टाइम बार्ड हो रही थी उसको अब बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिस्टोर कर दिया है पीरियड ऑफ लिमिटेशन का एक्सटेंशन ऑर्डर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।